लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस सबके लिए मैं अखिलेश जी आपको जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि आपने ही कहा था कि मीडिया के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में अच्छी चीजें नहीं दिखाते। भाई 17 दंगे हर दिन हो रहे हैं, ये अच्छी चीज है क्या? क्या अच्छा कर रहे हैं आप? पानी आप नहीं दे रहे हैं, बिजली आप नहीं दे रहे हैं, रोजगार आप नहीं दे रहे हैं, सुरक्षा आप नहीं दे रहे हैं, क्या चाहते हैं आप चौथे स्तंभ से? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आप क्या दिखाते हैं कि वो सफाई महोत्सव में जाकर आपका जो, मैं कहना नहीं चाहता, उसको दिखाएं? जिस बच्चे की हत्या हुई, जो 8 साल का जो मासूम है, क्या चाहते हैं आप? उस पर मीडिया पर्दा डाल दे? आप क्या चाहते हैं कि मीडिया रिपोर्टिंग करना बंद कर दे, क्योंकि वहां मुगलों की सरकार है और जो रिपोर्टिंग करेगा, जो विपक्ष का कोई नेता आवाज उठाएगा, तो उसके खिलाफ आप झूठे मुकदमे दर्ज करोगे, पत्रकारों को बंधक बनाओगे? अगर आप में थोड़ी बहुत भी नैतिकता है, उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास आपसे समाप्त हो चुका है। ये शामली की जो घटना हुई है, मोहम्मद शमी की जो सपा के गुंडों ने जो हत्या की है, और जो जगेंद्र की जो हत्या हुई थी, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इन सभी घटनाओं की ईमानदारी से जांच हो, और जांच अखिलेश यादव की सरकार में नहीं हो सकती। अखिलेश यादव के दबाव में जो प्रशासन है वो ईमानदारी से जांच नहीं कर सकता, इसलिए इन घटनाओं के लिए तुरंत अविलंब सीबीआई की जांच की हम मांग करते हैं।